फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा, फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 लोगों की मौत, 45 अभी भी लापता। सेना ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, 6 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। हालात को देखते हुए रोकी गई अमरनाथ यात्रा, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ तेज। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कर्बोवैक्स की सिफारिश, जबकि 6 से 12 वर्ष की आयु के लिए कोवैक्सीन। भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI ने 26 अप्रैल को भारत बायोटेक कोवैक्सीन का उपयोग करने की विधेयक अनुमति दी। वहीं बूस्टर डोज के लिए नहीं करना पड़ेगा अब ज्यादा इंतजार, 9 महीने की बजाय 6 महीने बाद ही लगाई जाएगी बूस्टर डोज। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को डी कंपनी के एक बाल कास्कर का गुर्गा बनकर फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला निकला प्लंबर, हैदराबाद का रहने वाला है आरोपी, पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। 14 जुलाई से होने जा रही है कांवड़ यात्रा, ड्रोन से होगी निगरानी, हाईवे पर तैनात रहेंगे जवान। हरिद्वार में मेला क्षेत्र व जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और बम निरोधक दस्ते को किया जाएगा तैनात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी दिल्ली में की हरियाली महोत्सव की शुरुआत, पश्चिमी देशों को दिखाया आईना, कहा कार्बन उत्सर्जन में हमारा हिस्सा मात्र 4%। ब्रिटेन के पूर्व चांसलर, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए पेश की दावेदारी, बोले सही निर्णय लेने का समय। भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए शिवराज सरकार ने मिशन सेहत शुरू करने का लिया निर्णय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सिविल और जिला अस्पताल तक के सभी व्यवस्था संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए चला जाएगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में वकील ने केस लड़ने के लिए किया मना, तो महिला ने किया तेजाब से हमला, फोन पर दी जान से मारने की धमकी। शुक्रवार दोपहर को प्रोफेसर की पत्नी ने कचहरी चैम्बर में घुसकर वकील अनिल प्रधान पर किया हमला, बाल बाल बचा अनिल प्रधान का जूनियर। मामले में वकीलों ने मिट्टी का तेल डालकर धरना देने की दी धमकी। चित्रकूट में बेकाबू पिकअप ने घर के बाहर सो रहे 5 लोगों को कुचला, मौके पर हुई मौत, कई घायल। जिले के भरतकूप थाना क्षेत्र तरौली के कल्याणपुर की घटना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे में जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए तो घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा राशि देने का किया ऐलान। राजधानी भोपाल में बैरसिया क्षेत्र में बंद पड़ी खदान के पानी भरे गड्ढों में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, सीएम शिवराज ने जताया दुख, सहायता राशि देने का किया ऐलान। चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूल में 250 साल पुराना भारी भरकम पेंट गिरने से मची चीख पुकार, घटना में एक बच्ची की मौत जबकि 16 छात्राएं और एक महिला घायल, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बीच खारगोन पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, मौके से 4,00,000 के नकली नोट बरामद। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, शराबबंदी को लेकर फिर से हुई मुखर, भोपाल में पैदल मार्च निकालने की तैयारी, अक्टूबर में गांधी जयंती से नई शराब नीति में संशोधन और अहाते बंद करने को लेकर किया आंदोलन का ऐलान, महिलाओं के साथ करेंगी मार्च। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की चौक बाजार में स्थित जामा मस्जिद में शिवलिंग होने से संबंधित संस्कृति बचाओ मंच के दावे का मामला जा सकता है कोर्ट पे, केस के लिए अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने भी दी सहमति, नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के कारण मामले में दी गई थी ढील। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर बीजेपी ने विपक्षी एकता में पैदा की दरार, उत्तर प्रदेश में बसपा के बाद अब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किया एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा से विधायक हैं राजा भैया, दिनम पार्टी में भी पहुंचे। भोपाल विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, मध्य प्रदेश के 230 विधायक और सांसद देश के नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए करेंगे मतदान, सुरक्षा के मद्देनजर मतदान केंद्र में विधायकों को भी मोबाइल ले जाना रहेगा वर्जित, 18 जुलाई को किया जाना है मतदान। भारत में मंकी पॉक्स की हुई एंट्री, यूरोप से लौटे कोलकाता के युवक में मिले बीमारी जैसे लक्षण, अस्पताल में कराया गया भर्ती, राहत की बात, युवक के परिजनों में लक्षण नहीं। मध्य प्रदेश में आ गया वर्ल्ड क्लास विस्टाडोम कोच, ट्रेन जर्नी के साथ ले सकेंगे प्रकृति का आनंद, कोच को जबलपुर रानी कमलापति जबलपुर जनशताब्दी ट्रेन में लगाया जा रहा है। कोच में 3 साइड लगे ग्लास के विंडो पूरी तरह से होंगे पारदर्शी, मनोरंजन की सुविधाएं भी रहेंगी उपलब्ध। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्रैगन की हरकतें, चीनी लड़ाकू विमानों ने भारतीय फौज करी भरी उड़ान, सीमा पर फिर हुआ तनावपूर्ण माहौल, भारतीय वायुसेना ने दर्ज कराया विरोध। बांदा के नरौली गांव के रहने वाले श्याम सुंदर यादव की नेवाई व कालेश्वर देवस्थान के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मौत, साथ ही घायल, उपचार के लिए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। मध्य प्रदेश के अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की धमकी, कहा जो भी अधिकारी शिवराज सरकार के समर्थन में चुनाव के दौरान कर रहे हैं कार्य, 15 महीने बाद लिया जाएगा हिसाब।
एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी डी के मित्तल के घर सीबीआई आईडी के छापे, 2 करोड़ नकदी बरामद। हाल में ही एनबीसीसी से सेवानिवृत्त हुए थे अधिकारी। नोएडा के सेक्टर 19 इलाके में रह रहे थे अधिकारी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज। नुपुर शर्मा के समर्थन पर मिले धमकी तो तुरंत करें कॉल। हिंदुओं की रक्षा के लिए वीएचपी ने जारी किया अलग अलग राज्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर। कहा बजरंग दल के कार्यकर्ता देश भर के हिंदुओं की करेंगे रक्षा। पटना ट्रेन में बुजुर्ग टीटीई के साथ बदतमीजी करना पड़ा पुलिस को महंगा। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने लिया एक्शन। इंटरसिटी एक्सप्रेस में बुधवार को हुई थी घटना, की गई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच हुआ विवाद। दलितों बहनों की शादी में बारातियों पर फेंके गए अंडे, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। नूरपुर गांव की घटना, पुलिस की देखरेख में पहुंची बारात। अमरनाथ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, आई बाढ़। घटना खड़री इलाके में गुंटी वन क्षेत्र की, वाहन फंसे, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। सरपंच का चुनाव हारी पत्नी तो पति को आया गुस्सा, अपने समर्थकों के साथ मतदान दल पर ही कर दिया हमला, पुलिस तलाश में जुटी। दमोह जिले की तेंदुखेड़ा ब्लॉक के तारादेही थाने के तहत आने वाले केवलारी गांव का मामला। महिला प्रत्याशी माया रानी अहिरवार चुनाव हारी तो उनके पति प्रहलाद अहिरवार ने किया हंगामा। जिलाध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भिड़े सपा नेता, निर्वर्तमान अध्यक्ष को बताया चोर, संभाली कार्यालय की कमान। निर्वर्तमान जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जीतू और सपा नेता कुलदीप यादव के बीच जमकर हुई कहा सुनी। जिलाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर कुलदीप यादव ने कार्यालय की संभाली कमान। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।